राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक शाखा प्रबंधकों का एक दिवसीय वित्त एवं वित्तीय समावेशन पर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में स्वतः रोजगार के उपायुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक से आ रही समस्याओं के निदान के लिए बैंक शाखा प्रबंधकों को भारत सरकार दो ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। बैंक कर्मियों को जो समस्या आ रही है उसका समाधान किया जा रहा है, उनको समूह गठन CCL सहित अन्य विषयों के समाधान के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मियों को यह भी बताया जा रहा है कि वह खाता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में खाता खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे, यह बात समूह की महिलाओं को भी बताएं जिससे उनका CCL और बचत हो सके। उन्होंने कहा प्रशिक्षण में 207 बैंक के शाखा प्रबंधक शामिल रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक बड़ौदा UP बैंक उत्तम कुमार मिश्रा, LDM के राजेश पांडे, दीप्ति पंत, एस सुंदर, राजन बाबू, नितेश जायसवाल सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वतः रोजगार के उपायुक्त अनिल कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने कहा, I was a banker, but my the mixer carries, I was with the rural development department as a PDD, earlier PDD, both of these, I was. In Jammu and Kashmir, Srinagar, see, there is a peculiar in loan for any Mahila, if she wants to get any 25,000 rupees loan, no banker will give you. They are not eligible to get a loan in Srinagar up to 2012. If at all, if they wanted to get a loan in the Mahila, a true government gazette officer has to give guarantee. When I was there, I was shocked. Then I called the NABARD, I mean AGM there at that time, and another RBI regional director. I went to these people, I discussed with them very lengthy. What is this? Our own Mahila, they are more confident for 100% recovery rather than the main. You are not giving a loan. Whether the RBI circular is applying to the, I mean Jammu and Kashmir or not, these are the questions here. After that, they have changed this, I mean, circular. Then slowly the Mahila loan comes in. The SDSY gave us a very good sign, very good, I mean, focus. What is this? We can give loan to the women. They are really more confident to pay back our money with interest. So there are also some sort of small problems. What is the problem? Group loan. The group who are all there? Father, mother, daughter, daughter-in-law. A family comes into the group. So there comes a problem in LGSY. If at all if the good group is there, they could take only one activity, group activity. So that was also another problem. So these are all the problems we found out. Then slowly we moved to another sector. It is called NRLM. The NRLM, which is having a wide scope. Wide range of scope. What is this? NRLM is not only for loan scheme. The goal, the mission and the vision of the NRLM is not only getting a loan. They could be come out from the bottom. Minimum 3 lakh. So if they want to come out from the poverty, if the family needs to come out. Aaj is a musheed bankers karsala mein. Janpat ke ग्रामीण एरिया के सभी बैंक मैनेजर्स यहाँ पे सभी बैंकों से 16 बैंक हैं, 207 हमारी ब्रांचें देखे यहाँ, इन लोगों काफ़ी ट्रेनिंग दिया और इधर से काफ़ी कुछ सुनाए भी हुए हैं सर। तो LDM साहब अपनी बात बताया सर, क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रामीण बैंक के हैं, आपने DDM उनको सर आपकी तरफ से प्रशासन पद दे ज्वाइन कराते जाएंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले हैं यूको बैंक से शाहपुर शाखा ब्रांच के शाखा प्रबंधक वित्तीय समावेशन में
क्या नाम है? अनिता त्रिपाठी। हमारे ऐसे तीन ग्रुप तीन ग्रुप सबके रिप्रेजेंटेटिव प्रिंट मीडिया साहब सबको नमस्कार। ये जो बेसिकली आज एक दिन का वर्कशॉप प्लान किया गया है, ये बेसिकली सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है। जैसे बैंक से भी आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर आए हुए हैं, तो आप एक्चुअली देखोगे जब आप ये बैंक से सर्कल ग्रुप को आप जब लिंकेजेस करते हो और जब लोगों को लाभ पहुंचता है, तो आप कभी बैंक कभी गांव में जाके देखना इसका मतलब क्या बढ़िया रिफ्लेक्शन आता है। मतलब इससे बढ़िया सोशल कॉल आप नहीं कर सकते। मतलब इनफैक्ट मैं पहले भी CEO रहा था, PM भी रहा, तो गाजियाबाद और बलरामपुर और हापुर हम लोग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में घूमे हैं। तो जैसे कोई सर्कल ग्रुप LED बना रहा है, जैसे यहाँ पे लोग टेराकोटा में काम कर रहे हैं, गारमेंट्स पे काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो सभी चीज़ के लिए रिसोर्स की आवश्यकता है, फंड्स। तो आप जितना इस स्कीम में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, जितना लोग सर्कल ग्रुप्स के प्रति आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, मतलब दिस इज बेसिकली अ सोशल वर्क। अगर आप जैसे CD रेशियो भी अगर डिस्ट्रिक्ट का देखोगे तो मुझे लगता है रेडली सम बैंक रीचेस 60%। तो इट इज दिस इज द बेस्ट वे टू री इन्वेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ये लोग डेवलप करेंगे तो मतलब दे स्टार्ट सेविंग्स, दे विल कम बैक टू योर बैंक। तो इनिशियली हाथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब मेरा अपना मानना है, बेसिकली ये वर्कशॉप का बेसिक आइडिया है मेक यू अवेयर अबाउट द स्कीम एंड गेट इन्वॉल्व इन द स्कीम। जैसे कभी कभी हम लोग को इस बात का समीक्षा करना पड़ता है कि क्रेडिट लिंकेजेस नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट फंड्स नहीं मिल पा रहा है, तो दिस इज समथिंग जो नहीं आना चाहिए। मतलब बेसिकली आइडिया यही है कि आप इस स्कीम के बारे में जानें एंड दिस इज आप इसके बारे में मतलब महसूस करेंगे। दिस इज नॉट अ वन डे इम्पैक्ट। आप आज ने आज आपने क्रेडिट दे दिया लोगों को तो यू सी इम्पैक्ट, बट जब आप यहाँ से ट्रांसफर होकर जाएंगे 5-10 साल के बाद, जब आप 2-4 ग्रुप का नाम सुनेंगे, मोरल ग्रुप का एक ग्रुप है जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तो आपको अपने आप में गर्व महसूस होगा, आपको अपनी नौकरी की सेटिस्फैक्शन होगी कि ये सर्कल ग्रुप जब बना था इसमें आई वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इनफैक्ट जनपद में अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 15-16 हज़ार सर्कल ग्रुप हैं, इसे अराउंड लगभग 1.5 लाख महिलाएँ से लिंक। मैं अनिल कुमार सिंह, PDDRDA DC NRLM का अतिरिक्त चार्ज। एक योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, उसके संबंध में जो बैंक से आ रही समस्याएं हैं उनके निदान करने के लिए बैंकर्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है स्टेट लेवल से। भारत सरकार से 2 ट्रेनर भी आए हुए हैं, वो यहाँ रात दिन भर की ट्रेनिंग करेंगे। जो समस्याएं आ रही हैं हमारे जनपद में, वो बैंकर्स अपनी बात उठा रहे हैं, उसका यहाँ समाधान किया जा रहा है। समूह गठन से लेके CCL से लेके बैंक लिंकेज से लेके जो समस्या है उसके समाधान के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। क्या क्या जानकारियाँ दी जा रही है? जानकारियाँ मेनली बैंक में खाता खोलने के लिए समूह की महिलाओं को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, उनको बचत कितनी दिन करनी है, फिर उसके बाद उनका CCL कब होगा, कब लोन होगा इत्यादि के बारे में अभिलेखीकरण, क्या क्या डॉक्यूमेंट इत्यादि रहेगा उसका यहाँ पर प्रशिक्षण आदि दिया जा रहा है सभी बैंकर्स को। तो कितने बैंक शामिल हुए? 207 बैंक हमारे सामने, 207 शाखा प्रबंधक, 16 बैंक हैं उसमें से 207 ब्रांच हैं, वो सभी इसमें शामिल हैं। टिकली एक स्कीम है जो हमारे यहाँ जैसे 16,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, लगभग 1.5 लाख महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो बैंक्स भी आए हुए हैं, बैंक्स वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है जिसके कारण ये ग्रुप काफ़ी सहायता भी हुआ है। तो बेसिकली एक जॉइंट टाइप का वर्कशॉप था जिसमें हम लोग लोगों को बता रहे हैं स्कीम में हो क्या रहा है और जो इश्यूज आते हैं बैंक के तरफ से या सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो भी डिस्कस किया जा रहा है ताकि ये स्कीम को हम लोग और प्रभावी बना सकें और दोनों इसमें मिलजुल के अच्छा रिजल्ट दे सकें। इसी में कुछ लोगों को बैंक में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को सम्मानित भी किया गया है।